बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र से। जी हाँ, मिशन अस्पताल के पीछे डुंगरिया वार्ड में मिली एक महिला और दो बच्चों की लाश, सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र का मामला। महिला सहित एक बालक और एक बालिका की रक्त रंजित मिली लाश, छपारा नगर के डुंगरिया वार्ड स्थित मिशन अस्पताल के पीछे की घटना। महिला और उसके दो बच्चों की कमरे में मिली लाश, पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक भी घटना स्थल पहुंचे, छपारा पुलिस सहित डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद। छपारा नगर के डुंगरिया वार्ड में आज दोपहर करीब 2 बजे एक कमरे में एक साथ 3 लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलते ही छपारा पुलिस मौके पर पहुंची है, साथ ही सिवनी SP कुमार प्रतीक भी दल बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं। मिशन अस्पताल के पीछे डुंगरिया वार्ड में एक मकान में एक महिला और उसके दो बच्चों की लाश रक्त रंजित हालत में मिली है। बता दें कि मृतक बालक का नाम तेजस उम्र 12 साल, मृतक बच्ची का नाम श्रद्धा उम्र 10 साल, वहीं मृतक महिला ज्योति साहू जो करीब 40 साल उम्र की बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छपारा पुलिस सहित डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, वहीं सिवनी पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक भी घटना पर नजर जमाए हुए हैं। MP24 न्यूज के लिए अश्वनी मिश्रा की रिपोर्ट। सामने आया अभी करीब 1 से 1.5 बजे के बीच में थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ये जो डुंगरिया टोला है यहाँ पे एक घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसमें एक महिला और उसके दो बच्चों की लाशें हैं। यहाँ पे हम लोग घटनास्थल पे आए हैं और जांच तस्दीक की जा रही है। इसके उपरांत जो भी कार्रवाई होगी, आगे की जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो आपको बताई जाएंगी। किस तरह के वेपन इस्तेमाल करें, कुछ सामने चीजें? प्राथमिक तौर पे एक कैंची पड़ी मिली है जिसका इस्तेमाल हुआ ऐसा लगता है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती। पुष्टि अग्रिम जांच के बाद ही हो पाएगी। थैंक यू।